इन कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट कराया जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिए। अब लौट रहे हैं किसानों की ही खबर पर। सिंघू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर की जरा तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां प्रदर्शनकारी किसानों की तादाद में काफी कमी आई है। अब कुछ दर्जन भर लोग ही नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहां हजारों की संख्या में लोग नजर आते थे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के बाद ज्यादातर किसान प्रदर्शनकारी गायब हो गए हैं। 58 दिनों से चिल्ला बॉर्डर, जो एक काफी महत्वपूर्ण रूट है दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करने वाला, वो बंद था क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का भानु फैक्शन यहाँ धरने पर बैठा था। 58 दिनों के बाद अब आप देख सकते हो चिल्ला बॉर्डर खुल चुका है। ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ साधारण रूप से वापस आ चुका है और लगभग 2 महीनों के बाद ये बॉर्डर खुला है। और ये तब हुआ है जब भारतीय किसान यूनियन का भानु फैक्शन, जो यहाँ धरने पर बैठा था, उन्होंने कल ही अनाउंस किया कि वो अपना धरना रोकते हैं और वो वापस लौट गए। ये तब हुआ क्योंकि उनको ये लगता है कि 26 जनवरी में जिस तरह से पूरा माहौल जो किसान आंदोलन का है वो वायलेंट टर्न ले चुका था, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट को अपनी तरफ से ब्रेकिंग आती। और बड़ी खबर, कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनकी संख्या 12 से अधिक बताई जा रही है, यानी 12 से अधिक टीएमसी नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि बड़ा झटका ममता बनर्जी को। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आते के साथ ही एक बड़ा झटका जरूर उनको लगा था, उससे अभी टीएमसी उबर नहीं पाई। अब जानकारी कि 12 से अधिक नेता जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। 30 तारीख को अमित शाह का बंगाल दौरा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो वहां होंगे तो कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी में चले जाएंगे, यानी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। यानी एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो उनके पार्टी के नेता हैं वो उनका दामन छोड़कर अब बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। अभी 12 संख्या और बताई जा रही है कि 12 नेता भी और हैं जो टीएमसी का साथ छोड़कर अब हाथ में कमल थामेंगे। तो आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, ममता सरकार को पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। और ये झटका अगर कहें एक नहीं, ये 12 झटका, क्योंकि 12 बड़े नेता जो है वो बीजेपी में जाएंगे। और आपको बता दें अमित शाह दरअसल 30 तारीख को बंगाल दौरे पर होंगे और उसी वक्त बताया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में ही इस बात का ऐलान हो जाएगा कि वो कौन कौन से नाम है। काफी ऐसे नेता टीएमसी के थे जो टीएमसी से नाराज चल रहे थे, चाहे वो बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी हो, उन्होंने पहले ही टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनको चुनौती देने के लिए खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम में सामने है। लेकिन बावजूद इसके अभी एक झटके से टीएमसी उभरी नहीं, अभी और झटके लगने बाकी हैं। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। 12 नेता बताए जा रहे हैं टीएमसी के जो अब बीजेपी में जा सकते हैं। 30 तारीख को अमित शाह बंगाल दौरे पर होंगे और बताया जा रहा है उनकी मौजूदगी में ही ये 12 नेता होंगे जो बीजेपी का दामन इस वक्त थाम लेंगे। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब जो गढ़ माने जाते रहे हैं टीएमसी के, वहां पर भी अब बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आने लग गए हैं। हमारे साथ विक्रांत यादव, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी बड़ा झटका ये टीएमसी को होगा, अभी तो शुभेंदु अधिकारी के झटके से टीएमसी उभर नहीं पाई, ऐसे में 12 और नेता कौन कौन से हैं? देखिए बिल्कुल एक बड़ा झटका टीएमसी को लगने की तैयारी एकदम हो गई है। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जब गृहमंत्री अमित शाह का दौरा होगा बंगाल में, तब ये सभी नेता जो है वहां पर पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं क्योंकि पार्टी से नाराज नेताओं में प्रवीर घोषाल शामिल हैं, राजीव बनर्जी शामिल हैं जो कुछ समय पहले तक वन मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वैशाली डालमिया शामिल हैं जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की बेटी हैं। इसके अलावा जो शिशिर अधिकारी और देवेंदु अधिकारी, ये दोनों क्योंकि सांसद भी हैं टीएमसी के, और इनके जो शिशिर अधिकारी के बेटे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो पहले ही छोड़ चुके हैं, तो ये भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी और प्रतिमा मंडल भी शामिल हैं। तो कई ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार जब गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा होगा तो टीएमसी के ये तमाम नेता, बड़े नेता, इनमें से कई सिटिंग सांसद हैं, कई विधायक हैं और कई अपने क्षेत्र में संगठन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, तो ये लोग टीएमसी को का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अभी चुनावों का ऐलान हुआ नहीं है, उससे पहले जिस तेजी से टीएमसी में एक तरह से कहा जा सकता है कि सेंध लगा दी है बीजेपी ने और उसके बड़े नेता छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच देखिए और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा पर, बड़ी खबर न्यूज 18 के शैलेंद्र